ठीक है, वो दो फोन था इसमें। ओके चलो, विल प्ले टुडे एनी वन कैन प्ले। प्रभु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आपके पास आते हैं। एक बार फिर आपने इतना सुंदर समय दिया प्रभु हम सब लोगों को, कि एक साथ इकट्ठे होने के लिए प्रभु, और आपके वचन को शेयर करने के लिए, आपके वचन पर मनन करने के लिए प्रभु, इसलिए महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। क्योंकि ये आपका अनुग्रह और आपका आशीष और आपका ग्रेस है प्रभु, कि आपने हमें मन दिया प्रभु। क्योंकि इतने इतने लोग हैं, इतने इतने सारे, लेकिन प्रभु चुने हुए कम हैं, और उनके बीच में प्रभु आप किसी के मन में इच्छा डालते हैं कि मेरे वचन को मनन करो, आपस में संगति करो। ये सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा काम है जो प्रभु इस संसार में एक हम लोगों के द्वारा होता है। वर्ल्डली चीजें भी आप प्रोवाइड करते हैं जो हम करते हैं, लेकिन प्रभु आपके लिए समय निकालना एक अद्भुत और बहुत ही मनोरम बात है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम सब एक फैमिली मामा के साथ इकट्ठे हो करके आपके वचन को, गुण बातों को हम सीखते हैं, और प्रभु हम उससे, प्रभु आपने मन में इच्छा जगाया है प्रभु, जो हमारे मन में समय की कमी को हम बोल करके टालते थे, और प्रभु इसके अलावा समय थोड़ा कम भी था दयालु परमेश्वर, लेकिन जहाँ चाह वहां रहा पिता परमेश्वर। आपने इच्छा, जब इच्छा होता है तो आदमी समय निकाल लेता है, और प्रभु मामा ने जिस तरह से सिखाया है, बाइबल को उस तरह से पढ़ने का आपने मन दिया है हमें, और हम प्रभु हम स्टार्ट किए हैं पिता परमेश्वर उस तरह से पढ़ने के लिए, और हमारे पूरे परिवार, हमारे भाई बहन मम्मी सबके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका आशीष हमारे ऊपर ऐसे बने रहे, क्योंकि प्रभु आप जल्दी आने वाले हैं। प्रभु हम अपने आप को तैयार करें, हमारे जो छोटे छोटे पाप हैं, हमारे जो छोटे छोटे जीवन में बहुत सारे अभी भी प्रभु अपने को परफेक्ट होने का है जरूरत, उसको हम नहीं होंगे तो प्रभु हम स्वर्ग के राज में नहीं जा पाएंगे। इस बात को हमेशा हम अपने ध्यान रखें, और पिता परमेश्वर ये छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में आती है, जो हमें आपको रुकावट डालती है आपके पास जाने के लिए, वो तो धीरे धीरे पश्चाताप के साथ और फॉरगिवनेस के साथ उस पर आप विजय पाते जाए, आपके दया से और आपके अनुग्रह से ये संभव है दयालु परमेश्वर। और जैसा यीशु मांगने पर आप देते हैं, आपने पवित्र आत्मा को पिता परमेश्वर, होली स्पिरिट को दिया है हमें मदद करने के लिए। आपने कहा है कि डेली उनसे मांगो, अगुवाई करो। प्रभु आपने इच्छा दिया और हमें मन दिया, और हमें ये दिया कि परमेश्वर हम पवित्र आत्मा से डेली मांगते हैं पिता परमेश्वर, कि आज का दिन आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आप हमें हर चीज में अगुवाई करें। प्रभु एट प्रेजेंट ये मीटिंग के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और जो भी वचन हो प्रभु उसको हम अच्छे से समझ सके प्रभु, हमारे स्पिरिट ऑफ विजडम, हमारे अंडरस्टैंडिंग को खोलो पिता परमेश्वर, हमारे ज्ञान बुद्धि प्रभु मांगने पर आप सब देते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, और वो हमें दो पिता परमेश्वर, ताकि हम समझ सके और उस पर समझे नहीं केवल उस पर चल सके प्रभु। आपका धन्यवाद हो, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऑनर कबूल करो, आमीन आमीन। आमीन। तो फॉर टुडे वी विल रीड मत्ती 22 अध्याय। अभी प्रार्थना में मुन्नी ने बोला कि बुलाए हुए तो बहुत, चुने हुए थोड़े हैं। वो चुने हुए थोड़े लोगों में हम शामिल हैं, पर इसको कंफर्म कर लेते हैं आज हम, कि चुने हुए में हम शामिल हैं कि नहीं। बुलाए हुए तो बहुत हैं। पढ़िए 22 का 1 पत्र पढ़ो। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो
मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़ कर उनका आदर अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हथियारों को नाश किया और उनके नगरों को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है परंतु नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े। तो फाइनली कंक्लूड किया कि एक जन मिला जिसको बोला कि अंधेरे में डाल दो और वहां रोना और दांत पीसना। ये रोना और दांत पीसना का मतलब क्या है? रोता कब है आदमी? दुखित होता है। रोना और दांत पीसना दोनों का कहां? नरक में। रोना क्यों? याद करेगा जो हमको कष्ट करना में था, अपने आप में रोना, अपने आप पे रोया आपके लिए। था, कष्ट में रह रहा है। तो मतलब इसको बोलते हैं रोना में एक्सट्रीम ऑफ सॉरो, दुख होगा, बहुत ज्यादा दुख, दुख में आदमी रोता है। ठीक है, तो दुखी हो जाएगा कि मैं नाश हो गया। और दांत किसके ऊपर पीसेगा? क्यों? अपने आप पर क्रोधित पछतावा होगा, हो अपने रहा है। आप पर पछतावा होगा। क्यों क्यों तो अपने आप पर पछतावा होगा कि ना, कि हम लोग को समय मिला लेकिन हम लोग जो है समय मिला, सब चीज सुनने मिला उसको लेकिन हम उसको पालन नहीं किए। यूटिलाइज नहीं किया। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। फिर से पढ़ो एक बार, फिर इस से। पर यीशु उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। एक ओपन इनविटेशन है, ओल्ड इनविटेशन। उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया था पर लिखा है कि नेवताहारी अयोग्य अयोग्य ठहरे। क्यों? कैसे अयोग्य? नहीं गए, निमंत्रण तो मिला था उनको, पर क्या हुआ? आगे आगे फिर पढ़ो। उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, औरों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़ कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा अभी ने क्रोध किया। अभी मुन्नी ने प्रार्थना किया कि जहां चाह वहां रहा। ठीक है, मतलब इच्छा है तो एक व्यक्ति जरूर वहां डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, पर ये लोगों ने क्या लिखा है? बेपरवाही करके चल दिया। उनको इच्छा ही नहीं थी कि ब्याह के भोज में शामिल हो। कोई खेत को गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। आगे क्या लिखा? औरों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हथियारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। आज के लिए सबके लिए एक होमवर्क। ये कब हुआ? कब परमेश्वर ने अपने दासों को भेजकर जिन्होंने उसके सेवकों के साथ मारपीट किया उनको सत्यानाश किया? ये खोजना है सबको। ठीक है, होमवर्क
होमवर्क समझ में आएगा? होमवर्क क्या? हाँ होमवर्क, आज का होमवर्क पहला ये कि सब लोग खोजोगे कि ये इवेंट जो लिखा है, यीशु ने बोला कि जिन लोगों ने परमेश्वर के सेवकों को परेशान किया उनको उसने सेना भेजकर नाश किया, ये कब हुआ कहाँ हुआ ये खोजोगे सब। ओके, पुराना नियम के नया नियम मैंने जानता है, है। केवल मैंने क्वेश्चन दिया, आई एम आई एम नॉट गिविंग यू क्लू, सब खोजो सदा ढूंढो, ठीक है? ममोरा वो मैं नहीं जानता, तुम लोग खोजो पहले, नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे तब, नेक्स्ट जब भी मिलेंगे तब इसका आंसर करेंगे, अभी कुछ मत बोलो। हो इट विल बी होमवर्क, नॉट नॉट क्लास वर्क। ओके, सब लोग ध्यान लगाओ कि जो लिखा है यीशु ने यदि बोला है तो कुछ तो हुआ होगा, कहाँ हुआ कब हुआ, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परंतु नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले। ये न्योताहारी कौन लोग थे जो अयोग्य गिने गए? तब उसने अपने और दासों को भेजा और क्या बोल के भेजा, पढ़ो आगे। सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जीवनहारों से भर गया। ये लिखता है कि कोई क्वालिटी नहीं देखा गया, बोला जो मिलता है उसको ले आओ, और इन लोगों ने वही किया, क्या अच्छे क्या भले क्या बुरे सबको ले आए। आगे क्या लिखा? जब राजा जीवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। मतलब ये कि ये जीवन जीवन के टेबल पे सब लोग पहुंच गए हैं, अब वहां पर एक जन वो जो ब्याह का जो जो मेन पर्सन है वो आया देखने के लिए, फिर क्या हुआ? वो एक व्यक्ति मिला क्या जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने, तब उसने क्या बोला? उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? कि वो फ्रेंडली डील कर रहा है, उसने बोला हे मित्र, उसको डांटा नहीं मारा नहीं, हे मित्र क्या बोला, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना कैसे है, क्यों आ गया? तब आगे क्या लिखा? मुंह क्यों उसका मुंह बंद हो गया। बंद हो गया होगा, ये ध्यान करो, क्योंकि इतने सारे लोग ड्रेसअप होके आए हैं तो निश्चित बात इसको भी मालूम है कि ड्रेस पहन के जाना है, पर इतने ये यहाँ नेग्लिजेंसी कर दिया, इसलिए ये बोलता है कि उसका मुंह बंद हो गया, वो कुछ नहीं बोल सका। आगे तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। कहां से उसको अंधेरे में डालने के बाद का ब्याह के भोज के, मतलब उस घर के घर तक गया है, वो घर तक पहुंचा है, पर वहां से निकाल बाहर किया गया। मान लो आप कहीं निमंत्रण में गए हो और वहां टेबल पर बैठने के बाद कोई आके उठा दे तो कैसा लगेगा? ये हुआ, सामने और इसलिए वो दांत पीस रहा था, क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि ड्रेस पूछा जाएगा, क्योंकि उसका मुंह बंद हो गया, सबको मालूम, सब लोग ड्रेसअप होके आए, केवल एक जन है जो ड्रेस नहीं पहना, मतलब इसने उसको उस बात को नेग्लेक्ट किया, समझे? उसने नहीं, उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ड्रेस क्या है? धार्मिकता ब्याह शामिल ईश्वर का ड्रेस क्या है? हर वाक्य को पालन करना। ये किधर लिखा है? धार्मिकता है, धार्मिकता धार्मिकता का झीलम। अब सब लोग इस पे, ये भी होमवर्क नंबर टू, ड्रेस, व्हाट इज द ड्रेस, ठीक है? थोड़ा ध्यान करो, मनन करो, खोजो तो आनंद आएगा। लिखा है
वह ड्रेस क्या है। और फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि धन्य वो है जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है, समझे। तो वस्त्र माने आत्मा हुआ ना। एक तो ड्रेस होना चाहिए, दूसरी बात ड्रेस मैला नहीं होना चाहिए, ड्रेस साफ सुथरा होना चाहिए, ब्याह के भोज तक वहां तक पहुंचने तक एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए ड्रेस, ठीक है। जीवन आदमी का अब ये मैं अभी नहीं जानता, वो जब नेक्स्ट मिलेंगे तब बताऊंगा, अभी पहले तो ठीक है। सब लोग खोजो ड्रेस, ड्रेस क्या है, ये पहला होमवर्क क्या, कि कहाँ वो इवेंट हुआ, कब, कि परमेश्वर ने अपनी सेना भेजकर जो परमेश्वर के लोगों को उनके साथ मारपीट कर रहे थे तो उसको नाश कर रहा था, कब किया, कहाँ किया। अच्छा दूसरी बात, ये ड्रेस क्या है, ओके। दो चीजें खोजना है सबको। और ये जो कृति पूछ रहा था, मत्ती 24 का 3 से पढ़ो, मत्ती 24 का 3 पद से पढ़ो स्मृति। जी, और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भुइडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब विक्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़ूंगा। उन्होंने पूछा था कि अंत के समय का चिन्ह क्या होगा, सबसे पहली बात क्या बताया उसने, यहाँ पर तो एक लिस्ट है, ये होगा वो होगा, सबसे पहले क्या होगा बोला। बहुत से भरमाने ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ वाले आएंगे, ठीक और भरमाने वाले। है, भरमाने के चक्कर में बहुत सारे विश्वास में आए हुए लोग भी अपने विश्वास से भटक जाएंगे, ऐसा लिखा कोई लड़की सब जो आया था ना, यही चीज ना हो रहा था। वो लोग बहका रहा है, जो बाइबल को नहीं पढ़ता है और नहीं जानता है मीनिंग, वही तो। लोग बात से। बेचारे चुपचाप सीट झुका के उनके पीछे हो लेते हैं, समझे। पर अच्छा है कि प्रभु को धन्यवाद करोगे, तुम्हें अच्छे स्कॉलर लोग हो सब लोग, तुमको इतना जल्दी कोई दाएं बाएं नहीं कर सकता, ठीक है। किसी को अपनी बात मनवाने का प्रयास प्रेशर मत डाला करो, केवल चुपचाप सुनो उनकी, क्योंकि लोग तो आएंगे और अपनी बात करेंगे, ठीक है। यीशु ने खुद ही बोला कि एक समय आएगा जब भरवाने वाले जगत में आ खड़े होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो भरमाने वाले आते जाते रहेंगे, खासकर एंड टाइम में ज्यादा हो गए, ठीक है। पर अपने अपने विश्वास को थामे रहो और उसमें मजबूत बने रहो, बस यही मुख्य बात है, ठीक है। और जितना ज्यादा वचन में लिपटे रहोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होने से बचे रहोगे। परमेश्वर के वचन को हमेशा सामने रखो और किसी भी तरह लिखे हुए से कम ज्यादा मत होने देना। कोई भी व्यक्ति यदि आता है तो एकदम सही जगह पे हो कि पूछो कि भाई ये कंफर्म लिखा कहाँ है। हमेशा एक बात ध्यान करना कि लिखा नहीं है यदि तो ये भरमाने वाले की आत्मा है, वचन से बाहर कोई चीज नहीं बता दो। और अर्थ का अनर्थ, पौलुस ने बोला, अनपढ़ चंचल लोग, मेरी पतरस ने लिखा दूसरा पतरस 3 अध्याय में, कि पौलुस की बातों को खासकर बहुत सारे लोग जो अनपढ़ और चंचल लोग हैं, जिनका भी चंचल मतलब जो जो अनपढ़ बोलने से जिन लोग बाइबिल पढ़े नहीं, या चंचल लोग, चंचल बोलने से जैसे एक छोटा बच्चा चंचल होता है,
एक जगह में स्थिर नहीं होता। जिन लोग विश्वास में अस्थिर हैं उनको ये भरमाने वाले दाएं बाएं करते हैं। ठीक है, तो इस बातों को याद रखना हमेशा कि अभी अंत के समय में ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी जाती रहेंगी। ठीक है, उनको आने जाने से नहीं रोक सकते, आएंगे वो लोग, पर उनकी बातों को ठीक से ध्यान करो। बिना मनन के ध्यान किए किसी बात को कभी एक्सेप्ट मत करना, बस इतना ही जानो। बीइंग अ गुड स्कॉलर, हमेशा परमेश्वर के वचन को सामने रखो। इसलिए तो बोला ना, मेरे नाम से आकर कहेंगे, मसीह नाम से आएंगे। और इसलिए अभी आज के डेट में देखो, उस नाम में एक ही नाम दिया गया, बोलते हैं ना, एक ही नाम दिया गया, और उस नाम में सामर्थ्य है, उस नाम में सब कुछ होता है। पर एक बात बता दूं, उस नाम से जीवन नहीं मिलता, उस नाम से नया जन्म नहीं होता, उस नाम के द्वारा चंगाई मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कुछ नहीं मिलता ऐसा नहीं है, मिलती तो है। पर क्या लिखा, भजन संहिता 138:2 पढ़ लो, इसको हमेशा याद रखना। भजन संहिता 138, साम 138:2, सेकेंड वर्स। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। उसका नाम बड़ा है, सब उससे ऊपर है उसका नाम, ये सब ठीक है, पर उससे भी ऊंचा, उससे भी ज्यादा महत्व किसको मिला है, किसको दिया, बोलो। वचन को। इसलिए हमेशा वचन को सामने रखो, उस नाम से आने वालों को कभी एक्सेप्ट मत करो। ये दूसरा योहन्ना की पत्री में लिखा है, यदि कोई और प्रकार की शिक्षा दे तो उसको ग्रहण मत करो, इवन उसको नमस्कार मत करो, ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा, दूसरा योहन्ना की पत्री को पढ़ लेना, वहां लिखा है एक लाइन कि ऐसे लोग जो और कुछ सिखाते हैं, जो और कुछ बात करते हैं, जो तुम्हारे नॉलेज से बाहर है, उनको नमस्कार भी मत करो, एक्सेप्ट मत करो। नमस्कार का मतलब होता है किसी को आने देना, हेलो बोला मतलब वो तुम्हारे सीट में आके बैठेगा और अपनी बात मनवाने का कोशिश करेगा। ये कर रहा था ना, कृति बोल रहा था, वो मान नहीं रहा था पर मनवाना चाह रहा था, समझे। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता उसको तो अपने घर में आने भी मत दो, ऐसा लिखा है। हाँ, दूसरा ये पढ़ पहला, लेना। हाँ, ये पहला यह दूसरा यूहन्ना 1:10 में है। अब पढ़ो क्या लिखा, आने यदि कोई तुम्हारे पास आए और कोई लोगों को आने से तुम नहीं रोक सकते, आएंगे। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे यदि उस तुमको शिक्षा जो मिली है उससे बाहर की एक बात बताए, यही शिक्षा ना दे तो उसे ना तो घर में आने दो वो और घर ना नमस्कार दो, करो। उसको बाहर से ही नमस्कार करो, बोलो जाओ भैया यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं। ठीक है, एक बार समझ गया कि इसकी शिक्षाएं गलत है तो उनको आने मत दो। फिर से पढ़ो एक बार, यदि कोई तुम्हारे पास कोई आए हमारे पास और आए तो यही शिक्षा ना दे उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। दो, और ना नमस्कार नमस्कार, करो। इवन नमस्कार को विश भी नहीं करने का, बाइबल में लिखित में हमारे पास, समझे। कोई तुम्हारी शिक्षा से बाहर की बात करता है आगे, तो उसको घर में आने मत दो। दूसरी बात, उसको विश भी मत करो, समझे। तो यस, सब लाइन बिल्कुल। याद रखना, ठीक हाँ है। हाँ वही ये उत्तम का 2-3 साल पहले उत्तम का घर में आया था ना, तो लोग घरे से दरवाजा से ही लोग को लौटा दिया था। वो जरूरी है, क्योंकि ये लोग ना दो हैं, एक तो ये कोरियन मिशन है, कोरिया से आ रहे है, मदर गॉड का घर, हाँ, कोरियन मिशन ही है। कोरियन मिशन है, मुझे मालूम है अच्छे। और दूसरा एक यहोवा विटनेस, ये दो लोगों को कभी एंट्री मत देना, समझे। इनकी डॉक्ट्रिन, इनकी शिक्षाएं टोटल बाइबिल के अपोजिट है। ओके,
हाँ ये दो लोगों को ये बोला ना, ये यदि ये तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे तो उनको घर में आने मत दो, इवन नमस्कार भी मत करो। ठीक, हाँ सही बात। इसको गांठ बांध के रखो। ये साथ से लिखा हुआ, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही ठीक है। है, अपने विचार चौकस रहो। यू नो बेटर, सब चीजें अच्छे से जानते हो, तुमको इतने सालों से एक ही चीज बताया मैंने, वचन से दाएं बाएं मत होना बस। ठीक है, हमेशा हाँ याद रखो, और दुनिया में एक से एक डॉक्ट्रिन, एक से एक गलत बातें घूम रही हैं। हाँ यदि तुमको तुम्हारी जो शिक्षा मिली है उससे दाएं बाएं कोई बात करता है तो उसको क्या लिखा एक बार और पढ़ लो। ये अलाउ नहीं कर। यदि यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। इवन विश मत करो, नमस्कार करने का मतलब इवन उसको तुम हालो के मतलब तुम्हारे सिर में आके बैठे हो, उनको उनको रिस्पॉन्स दो ही मत, क्योंकि यीशु ने साफ साफ बोला है अंत के समय में ऐसा ऐसा होगा। ओके, यू शुड बिलीव इन इन कीप इट। ओके, यस, उनको बैठा के खूब जलील करो। इट इज कमिंग कोरिया कोरिया। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे आई विल बी ऑन द वे, तो उसके बाद वाले सैटरडे जहां भी रहूंगा वहां कोशिश करूंगा कि अपने नेटवर्क के भीतर आके मैं फिर खबर करूंगा सबको। ओके, नेक्स्ट सैटरडे आई एम ऑन द वे। ओके, कहाँ जाएंगे मामा? मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगा, अभी कहाँ? तो मैं यूपी में हूं ना, हाँ, एमपी जाएंगे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अच्छा, तो तो सैटरडे को मीटिंग नहीं करेंगे? ये बाद वाले सैटरडे को, ये आने वाला सैटरडे को गैप करो, इसलिए आज मैं उत्तम को बोला कि आज के दिन हूं मैं रेंज में, तो कर लेते हैं, उसके बाद वाले सैटरडे को पता नहीं कहाँ रहूंगा। ठीक है, यदि टावर वाले एरिया में पहुंच गया तो मैं आई विल मैसेज यू, पहले बिफोर टाइम बता दूंगा। ठीक है, पर ठीक है जी मामा, नेक्स्ट हम लोग वेट करेंगे। वीक, नेक्स्ट सैटरडे को मैं रास्ते में ही रहूंगा। अभी यहाँ से जाके एक जगह अंबिकापुर के पास मेरी 5 दिन की मीटिंग है, ये 1 दिन की मीटिंग है, उसके बाद एक जगह मैं बताया था ना उड़ीसा बॉर्डर में, वहां वो उड़ीसा बॉर्डर में जाने से उधर टावर नहीं मिलता है, वाईफाई कनेक्शन नहीं है, उसमें गड़बड़ होगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं बता दूंगा अवेलेबल और नॉट। ओके, ठीक हाँ, याद रखिएगा, है, तो बताने भूलिएगा नहीं, रिकॉर्डिंग बता दूंगा पहले 2 दिन पहले। भेज दीजिएगा। ओके, यस, तो होमवर्क तो भूल ही जाएगा आदमी तब तक। इसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। तो कैसे भूल जाएंगे। आप बता देते तो अच्छा रहता। अच्छा, बहुत क्या थोड़ा सही थोड़ा वर्कआउट करो, आज वर्कआउट करने वाली है ही नहीं, उसको भेजो मैसेज, खुद ही रंजू है। ठीक है, उसको मैसेज करो, आज का होमवर्क है, तुम खोद के बताओ हम लोग को दो। ठीक उसका तो बर्थडे था फर्स्ट को, वो तो अभी ब्रायन है, और वो दोनों गए हुए हैं बाहर कर जंगल में। देना कि ये होमवर्क है, तुम हेल्प करो हमारी, क्योंकि वो ही खोजती है, उसके पास स्टडी बाइबिल है आई आई थिंक सो। ठीक है, तो खोजना है, बताए ना पहला होमवर्क क्या, ये इवेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, कि परमेश्वर ने अपनी सेना भेजकर ऐसे लोगों को नाश किया, एक पहला। दूसरी बात, ड्रेस,
ये विवाह के भोज में शामिल होने वाला ड्रेस क्या है, ये को दो चीज खोजना है। ओके, याद रहेगा। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल अगेन एंड उत्तम, चलो तुम प्रार्थना करो। ओके ओके, जी, ये ऑनलाइन जुड़ने के बाद गायब रहता है। कृति, कृति है कि नहीं? हाँ, जी है। ओके तो कृति को बोलो प्रार्थना करेंगे। प्रीति प्रार्थना मम्मी, करो। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आज अपने शिखर बाबा के द्वारा हमें जो वचन सुनाया और जो हमें गुड़ बात जो हम नहीं जानते थे वो सब बातें हमें पता है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमें और हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे कि इन बातों को हम समझ सकें एवं अपने जीवन में उतार सकें। और हम प्रार्थना करते हैं आप और ये मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं कि मीटिंग जो चल रहा है तो मतलब लगातार चलते रहे, जिससे हम जो जो बातें बाइबल संबंधित जिस बातों का हमें ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो सब बातें हम शेखर मामा से जान सके एवं सीख सके। और हम प्रार्थना करते हैं कि शेखर मामा के लिए कि उनके भी आने जाने में तो उनका जर्नी लगातार लगा रहता है, उनके भी साथ रहे, उनके तबीयत और सभी चीज़ों का आशीर्वाद दी, जैसे कि वो थी तबीयत बढ़िया रहे एवं उनके आने जाने में सहयोग किए कि जहाँ जाए जहाँ मीटिंग ले बढ़िया नहीं चले। और हम और उन्होंने आज जो जितना वचन बताया और जो अली बाइबल से संबंधित जो बातें बताई वो तो हमें समझने में आपने मदद की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। तो पिंकू 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 थोड़ा मामा, ये, तुम रंजू से कितनी दूर हो? इससे तो दूर है लेकिन टाइम जोन तो ठीक, टाइम जोन सेम है, टाइम जोन सेम है। ओके, वैसे हाँ वैसे तो दूर है, नहीं तो मैं नॉर्थ में हूँ। वो भी अच्छा। तुम नॉर्थ में हो, साउथ में है? हाँ मैं कनाडा के कनाडा के बीच में हूँ, नॉर्थ की तरफ, ओके, साउथ। कनाडा का नॉर्थ तो तुम्हारा रशिया वाला एटमॉस्फेयर हाँ वही वही कजाकिस्तान वाला ठंडा ही है, यहाँ पर माइनस में आ गया अभी तक। है, अलास्का के नीचे हो? अलास्का के वेस्ट में, ईस्ट में। जी अच्छा, मतलब पैरेलल हो उसके, अलास्का के जी जी और अलास्का तो आमने सामने है ना। जी 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 -40 जाता है यहाँ पर भी। ओके, चलो ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट टाइम मैं खबर करूंगा तब जुड़ेंगे। ठीक ओके है, बाय। हेलो, थैंक हेलो, चलो यू मामा, सालों 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 सालों। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुआ। हाँ।